It's your boy. Yeah. Pull up on. आज जा रहे हैं हम लोग हैदराबाद, तो जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। तो अभी हो रहा है टाइम 7:30, तो मैं उठा हूँ 6 बजे का। तो अभी एक शॉट दिखाते हैं आपको सुबह सुबह का, तो वो देखें आप कितने तक मैं नहा के आ रहा हूँ। जी तो भाई फुल रेडी शेडी हो चुके हैं और अहमद भी रेडी हो चुका है, और अभी हमें सामान रखना है थोड़ा, और अभी देखिए फुल चप्पलें दूध का सामान है वो रखते हैं, तो हमें चाहिए वो, तो रखते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, अहमद भी तैयार हो गया, तो वानी भी मैं भी हो गया। तो एक चीज़ क्या करिए, चार्जर, अगर ये चार्जर नहीं लेंगे तो हमारे मोबाइल चार्ज नहीं होगा। अभी देखते हैं, ये है मेरा बैग, इसके अंदर मैं अपना सामान रखता हूँ, तो इसके अंदर मेरे को चार्जर रखना है। बाकी इसके बाद तो चाहिए नहीं था। इसके बाद अभी गाड़ी आने वाली है, उसके बाद निकलेंगे। अभी हम आपकी दिखाते हैं, ड्राइवर से सारा सामान वहाँ पैक कर दिए, लेकिन एक बैग ये, बाकी सारे ये हैं। बस बंदे तैयार होने लगते थे कि दूर एक दो बंदे रहते हैं, बाकी सबको तैयार हो जाते हैं। मैं भी तैयार हो चुका हूँ, और बाकी ये भी आ रहे हैं, मैं थोड़ा तैयार थोड़ा सा भाई, जब तैयार हो चुका है। देखिए आओ, और ये मेरा तो इसका पर देख के आ रहा है, मैं भी अपने मेनू में रखा है पर के यहाँ रख दिया था। अभी तो पहनते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। पहन लिया है क्योंकि पता चला है इधर आने भाई बहुत सर्दी है, कराची में तो कुछ है नहीं, कराची में तो कोई नहीं है। पड़ी देखें, अहमद डांस करके दिखा दो, डांस करके दिखाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी डांस कर जल्दी, और कर। देखते हैं भाई, गाने चलते हुए डांस करता है। तो बस आने वाली है 15-20 मिनट में गाड़ी, तो सामान रखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं सामान। गाड़ी आ चुकी है, तो मैंने चार्ज पे ला लिया, तो मोबाइल बंद होने वाला था, थोड़ा मोबाइल चार्ज हो गया, तो गाड़ी आ गई है। अभी सामान रखते हैं उसके अंदर, भाई बाहर आ चुके हैं, ऐसे मजा है सुबह सुबह का, देख रहे हैं। नहीं नहीं गाड़ी भी आने वाली है, बस तो लगाते हैं आने वाली है, बस ये ला ला के रख रही है। देखें अहमद आप नहीं उठा, आ गए बेटा, आ गए, बैठो बैठो, जल्दी जाओ बैठो। सामान रख दिया है सारा, तो अभी सफर में चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
सफाई फाई करते हैं कमरे की हमारी, तो उसके बाद मिलते हैं। और ये देखें अहमद को, यहाँ पे टेंट बिल्कुल घर के सामने लगा हुआ, बच्चों का शोर देख रहे हैं आप। तो सही है भैया, क्या कर सकते हैं। हाँ भैया, आज तो भाई भी उतर नहीं सकती है, आज सारे काम पैदल पैदल करने पड़ेगा हमें। देखें ये बिल्कुल गेट पे टेंट बना हुआ है, उसे देखें बिल्कुल गेट पे बना हुआ टेंट है। अहमद आपकी साइकिल नहीं चला रहे आप? अभी चला रहे हैं, मत आते ही साइकिल पे बैठ गए गंदी साइकिल। तो अभी भाई बहुत थक गए, हैदराबाद में आते तो थकना ही होता है, लेकिन गाड़ी में मज़ा आया। एक डेढ़ घंटे पहले कराची, डेढ़ घंटे बाद हैदराबाद, क्या मज़ा है गाड़ी में। चलो भाई अब थक गए, थोड़ा आराम वराम करते हैं, उसके बाद सफाई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पर आ चुकी है लाइट और मैं लेके आ गया हूँ ट्राउज़र। तो अभी जाते हैं ना, ये इसको पहनते हैं ट्राउज़र को और फिर सफाई वफाई करते हैं। ये 2:15 बजे तो अभी लाइट आने लाइट आ चुकी है, अभी सफाई वफाई करेंगे। अभी छत पे भी जाना, टंकी उनकी देखनी है, क्योंकि टंकी से बाहर पानी जाएगा तो मैं तो मेहमान बोल रहा हूँ, अभी इंतकाल हुआ है इसलिए उनको परेशानी होगी थोड़ा, हमें भी एहतियात करनी चाहिए। ये तो अभी छत पे जाना है, कपड़े वपड़े चेंज करके आ चुके हैं। और हैदराबाद में लाइट बहुत जाती है, 1 घंटा आती है, 2 घंटे जाती है, तो जैसे ही आती है तो पहला काम ये होता है टंकी भरो। तो अभी टंकी भर रहे हैं, ऊपर देखने जा रहा हूँ कितनी हो गई है। यहाँ पर दोपहर में गर्मी है और रात में सर्दी है, अभी सर्दी है, स्पीड से आ रहा है फुल। तो अभी देखते हैं, थोड़ी धूप धूप भी ले लेते हैं, क्योंकि कराची में तो मिलती ही नहीं है धूप, थोड़ी इधर यहीं ले लें। तो यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर, उसके बाद जब टंकी भर जाएगी जब हमें भी नीचे जाना पड़ेगा चाहिए। उसके बाद सारी सफाई वफाई हो चुकी है, थोड़ी सी बाकी वो हो रही है। तो अभी मैंने सोचा है ये बड़ा वाला सोफ़ा फाड़ निकालते हैं और इधर लगाते हैं बेड। ये इनमें से एक सोफ़ा दे दीजिएगा, बाकी 2 सोफे भाड़े रहेगी शायद, या इन दोनों को लेके लगा देंगे। ये बड़ा वाला तो जाएगा पक्का, बड़ा वाला तो जाएगा। और ये वाशिंग मशीन को भी बाहर निकालना है और अपने को इधर बेड सेट करना है, फ्रिज तो बाहर जाएगा नहीं, फ्रिज को तो इधर ही रखेंगे। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में सफाई वफाई भी कर रहे हैं, बाहर वाहर निकाल लें। तो अभी उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसा रहता है। तो गाइस सारी सफाई वफाई हो चुकी है, देखें कमरा वमरा वाला कमरा भी साफ़ हो चुका है। अभी वाला कमरा दिखाएंगे नहीं क्योंकि नमाज वमाज पढ़ रहे। तो अभी बस मेरे को कपड़े वपड़े चेंज करने और सामान वामान लेने जाना है यार, सोच रहा हूँ बाइक निकालूँ कैसे। अभी उनको बोलते हैं यार थोड़ा टेंट हटाओ भाई बाइक निकालेंगे हमें। तो अभी थोड़ी देर में बाइक भी निकालेंगे और सामान वामान भी लेने जाना है। तो ये लोग अभी नमाज पढ़ के हटे तो मैं आपको कमरा दिखाता हूँ, जैसा सफाई कर दी हमने। और अभी थोड़ी 5-6 चीज़ें और लगानी है, अभी वो भी लगाएंगे जब, वो भी आपको दिखा देंगे। तो अभी तो कपड़े चेंज करने जाना है मेरे को, उसके बाद देखते हैं। एक इंटरव्यू भी देना है भाई, एक इंटरव्यू वाले आए हुए, अब उनको इंटरव्यू भी देना है अभी, इसी चैनल पे आएगा वो भी। तो भाई तैयार वैर हो चुके हैं और ये देखें कपड़ा ये सेट करा है थोड़ा हमने। तो अभी थोड़ा काम बाकी है इसका, अभी थक गए थे यार सुबह से लगा हुआ था। तो अभी थोड़ी देर में और कल और काम करना है। तो अभी जा रहे हैं बाइक वाइक उतारते हैं, देखता हूँ जगह होगा दोबारा वो बना के उतारनी पड़ेगी। तो आज के ब्लॉग यही एंड करते हो, उम्मीद है कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाजमी कर दिएगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और इस व्लॉग के बाद आएगा मेरा इंटरव्यू, तो वो लाजमी देखना आपने, ठीक है।